याद है आखिरी बार सिर्फ हम दोनों घूमने कब गए थे? सालों हो गए नहीं? बिल्कुल बस हो माँ, तो हम कहीं घूमने चले? ओके फाइन लेट्स गो। ओ यस वाले, जाएंगे कहाँ पर? हम लोग मॉल में चलते हैं। क्या हुआ? मर गए सोनू। उधर बाबा देख लिया, हो गई शांति। आई डोंट बिलीव दिस आई बाबा। हाँ मैं तुझे वही बोल रहा हूँ, भीड़ अंकल और मानवी आंटी। मुझे लगा तू फिर से मजाक कर रहा है। अरे सोनू, मैं सेम टू सेम मजाक दो दो बार क्यों करूंगा? लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मुझे क्या पता। मुझे क्या लग रहा है पता है? हाँ? ऐसे ही बैठे ही रहे, पिक्चर जाने दो, है ना? ए भाई क्या जाने दो, 180 रुपए की एक टिकट है, 360 रुपए खर्च किए भाई। मजाक कर रही हूँ, मतलब पिक्चर का टाइमिंग अभी टाइम है ना। हाँ लंच के बाद है वो तो। वो क्या है? ठीक है तभी जाएंगे। आई बाबा तो यहाँ से जा ही नहीं रहे। तो क्या यार, ये भगवान क्या करे। मैं गोलू को कॉल करता हूँ। अरे यार क्या हुआ, गोलू को कॉल नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ होगा। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, बातें तो होती रहेगी लेकिन अभी मॉल में आए तो थोड़ा सा घूम भी लेते हैं ना। हाँ तो थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ चला चला क्या है, चला चला चला। दीका बेटे यहाँ से ना सोनू के लिए मस्त तुम्हें की ड्रेस लेते हैं। अरे मस्त आइडिया, वो उसको सरप्राइज देंगे। वो कभी कुछ मांगती नहीं है ना बिचारी, सरप्राइज सरप्राइज। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? भीड़े अंकल को यहाँ से भगाओ। What? पापा के लिए साड़ी देखने आया था। क्या? पापा की वाइफ मतलब मम्मी के लिए साड़ी देखने आया था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं नहीं मैं खुद देख लूंगा, कहाँ है साड़ी का सेक्शन? वो उस तरफ। थैंक यू मैम। इधर देखो ये अच्छा है। ये 15-16 साल के लड़की के लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस देखने हैं। मैम वो साड़ी के सेक्शन के बाजू। अच्छा थैंक यू। ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है उसके पास। ए, ए, डिजाइन मस्त है, कुछ अलग है। नहीं
नहीं, पिछली बार वो रत्नागिरी से मैं लेके आई थी ना ऐसे ही सेम पैटर्न, उसने एक बार भी नहीं पहना, उसको नहीं अच्छा लगता ये। अच्छा ये एक मिनट अच्छा है, लॉन्ग है लेकिन ओगो भाई भाई मस्त साड़ी है भाई, कलर कॉम्बिनेशन है आणि डिझाईन बघितलं का छान आहे। अभी हम लोग यहां पे साड़ी लेने आए कि ड्रेस? नहीं नहीं ड्रेस सॉरी, तो फिर बात करते हां। कैसा है? नहीं अच्छा है लेकिन मुझे सच पूछो तो वो टैक्सी का फील आ रहा है, वो काली पीली टैक्सी होती है ना। नहीं क्या बोलते, बाहर दो चार और दुकान है तो वहाँ देखते हैं। हाँ देखते हैं ना, पूरा दिन पड़ा है। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू। काय झालं? गोली फोन उठा, मोबाइल बज रहा है माधवी। तू उठाइए। नहीं मेरा नहीं भाई साहब, किसी का फोन बज रहा है आप में से, क्योंकि ये रिंगटोन ना बहुत जानी पहचानी लग रही है। हजारों के पास ऐसी रिंगटोन होगी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कहीं सुनी सुनी हुई है, बहुत जानी पहचानी है। यहाँ पे किसी का मोबाइल बज नहीं रहा है। झाली बंद, जाऊया। खास चला काय बघित मागे अंकल, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम पक्का नहीं होगा, पक्का। वो ड्रामा में पार्ट लिया है, रिहर्सल कर रहा था, सॉरी। अरे यार अभी गोली फोन नहीं उठा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ सोच। हाँ सो, मैं भी सोच ही रहा हूँ यार, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मेरे अंकल माजी अंडी गए, देख निकले निकले, चल चल निकले चल चल। पर एक बार चेक कर लेते हैं, शायद वो वहीं हुए तो। अरे नहीं है, देखना देखे आप दिख रहा है, चल 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 चल। पूरा मॉल देखना बाकी है, अभी तो आधा मॉल देखा है हमने, अभी उस तरफ है, ऊपर नीचे है, फिर उस तरफ जाना है, पक्का है। वो वाले इसमें जाएंगे। पापा फिर से आ गए टप्पू। हाँ यार पता नहीं, मैं भी वही सोच रहा हूँ, मम्मी को कॉल करता हूँ। रुक हाँ टप्पू बोल। हेलो गोली, अरे कहाँ है तू? कपड़ों की दुकान में। टप्पू मैं फंस गया हूँ, पीड़े अंकल माधवी आंटी मेरे सामने थे, उनसे बचने के लिए मैंने साड़ी पहन के मैनिक्विन बन के खड़ा रह गया। क्या बात कर रहा है गोली, हमारे सामने भी पीड़े अंकल और माधवी आंटी है, मैं और सोनू भी यहाँ पर कोई दुकान में छुपे हुए। टप्पू मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर बाय चांस पीड़े अंकल को पता चल गया पूरे गोकुलधाम में हंगामा मच जाएगा। हाँ हाँ गोली मैं कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन सुन कुछ भी हो जाए लेकिन भीड़ अंकल और माधवी आंटी के सामने तू आना मत, ठीक है? तो टप्पू मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं कपड़ों की दुकान में रुकता हूँ, वो लोग थोड़े भी यहाँ से दूर जाए ना तो तू मुझे इन्फॉर्म कर देना, ओके? हाँ बाय बाय। मुझे बहुत डर लग रहा है। चल चल सोनू चल, जा रहे वो लोग, जा रहे चल 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 निकलते चल।
गए गए वो लोग गए। चल चल गोली के पास चलते, चल यहाँ पर, यहाँ पर कहाँ होगा गोली, गोली कहाँ गया गोली, गोली टप्पू बीड़ा कर माधुरा निवास से गए पता नहीं, लेकिन जहाँ पर बैठे थे वहां से तो निकल गए। चल चल हम लोग भी निकलते, चल जल्दी चल 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 यहाँ पे करें शॉपिंग, मस्त लग रही है शॉप है ना। लोको लोको ये महंगा लग रहा है मुझे थोड़ा। मीका बंटे वो शॉप कैसी है? देखो वैरायटी भी है, सस्ता भी लग रहा है, अपने बजट में होगा। चल चल फटाफट चल फटाफट। फ्रेंड्स अब क्या होगा? चल चल कुछ नहीं होगा, चल फ्रेंड्स अभी मुद्दा मत भागो, ये भागो मत, चलो वरना शक हो जाएगा। चल 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 फटाफट। बजट की बात करें तो मुझे वो शॉप बहुत अच्छी लगी। हे माधवी माधवी तिपो तिपो तिपो, अरे मैंने अभी गोली सुनो टप्पू को देखा। काय तरीस काय, अरे नहीं खरच मैंने देखा वहां पे, आओ देखते हैं। अरे जल्दी जल्दी, अरे वो तो आहो है कमाल है, कहां गए? अरे बच गए। क्या हुआ, ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? सोनू के मॉम डैड यहाँ पर मॉल में है। कैसे होंगे वो यहाँ? वो कॉलेज में है, इम्पोर्टेंट लेक्चर से आज उनके। बड़ी मुश्किल से बच के आए, उन लोग ने गलती से भी हमें देख लिया ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। लेकिन अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो मॉल में क्यों आएंगे घूमने? माधवी मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने सोनू टप्पू गोली तीनों को देखा है। जब से आप बंक करने वाले कॉलेज के लड़का लड़की को मिले हो ना, तब से आपके दिमाग में यही सब चल रहा है, इसलिए हर जगह अपने बच्चे नजर आ रहे हैं आपको। लेकिन अपने बच्चे कॉलेज बंक करके मॉल में घूमने वालों में से नहीं है। तो फिर मैंने जो देखा उसका क्या? जब इंसान एक चीज दिमाग में बिठा लेता है ना तो उसके आंखों के सामने वही चीज बार बार नजर आती है। तो आपको भ्रम हुआ है? नहीं 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 माधवी, मुझे भ्रम नहीं हुआ है। छोड़िए ना, चलिए शॉपिंग करते हैं। एक मिनट, एक बार मैं अपने मन की तसल्ली कर लूं। कैसे, क्या कर रहे हैं आप? टप्पू को फोन लगा रहा हूं, पता चल जाएगा। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है यार। वो क्या यार, प्रियंका का फोन। गॉड मत उठाना, मत उठाना। हाँ अरे लेकिन उठाऊंगा ना तो उनको शक हो जाएगा। पर तू नहीं उठाएगा तो लगेगा लेक्चर्स में, और अगर तूने उठाया तो मॉल की आवाज से पक्का शक जाएगा टप्पू। हाँ पर हो सकता है कि उनको ऑलरेडी डाउट हो गया हो, इसलिए तो उन्होंने फोन किया है। नहीं सोनू कोई डाउट नहीं हुआ होगा, मैं फोन कट कर रहा हूँ। ये देख ये देख, काय बोल रहा है? काय बोल रहा है, कट केला फोन, इसका मतलब लेक्चर में है इसलिए कट किया। अभी किसको फोन लगा रहे आप? सोनू को फोन कर रहा हूँ। अरे चालू लेक्चर्स में क्यों बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? देखिए बच्चों पर आप खामा का शक कर रहे हैं। चलिए एक मिनट, एक बार चक्कर लगा क्या वो मॉल में? इससे आपके मन की तसल्ली हो जाएगी। हाँ हाँ मिल जाए नक्की। ओ तीसरा मौका नहीं मिलेगा। हा? नहीं नहीं नको नको नको, देख फोन। चलो अभी अब इस तरफ से देख। विकी देख, बीड़े अंकल और माधवी आंटी ने तुझे देखा नहीं है, तू उस तरफ जा और देख वो लोग क्या कर रहे हैं। गुड आइडिया। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं उनको पहचानूंगा कैसे? मैं तुझे उनका फोटो सेंड करती हूँ। चुप अप, तू जा जा जा। ये अच्छा आइडिया, हाँ ठीक है, जल्दी जा जल्दी जा। अहो नहीं है यहाँ वो। हाँ पता चल जाएगा माधवी। अरे सोनू सोनू, तेरे आई बाबा तो यहीं पे आ रहे। Let's go.
नहीं इस तरफ से, उस तरफ, उस तरफ। माधवी, लगता है उन्होंने हमें देख लिया। वाह, पहले आप कह रहे थे कि आपने उन्हें देखा है, अभी आप कह रहे हो उन्होंने आपको देखा है। आपको याद है हम यहाँ एक दूसरे को देखने आए हैं? अरे माधवी, उन्होंने हमें देख लिया मतलब उन्होंने हमें उनको देखते हुए देख लिया, इसलिए वो छुप रहे हैं। ए पांडुरंगा, ये शक की बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। इधर नहीं, इधर देखो, इधर आईने में देखो। अया, टप्पू गोली सोनो बगीचे का मला विचार बगीचे का। अरे मैंने तो बोला था तुम्हें, देखो देखो देखो, इस तरफ आओ। देखा, मैंने बोला था ना मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, अपनी आंखों से देखो। चलो उनको रंगे हाथों पकड़ दे। चल। अरे यही थे ना वो? हाँ, वो यहाँ थे ना हम लोग। हाँ, तो यही होने चाहिए। फिर कहाँ गए? माधवी, सोनू कॉलेज बंक करके मॉल में घूम रही है, हमारी सोनू। हो सकता है उसकी कॉलेज को छुट्टी हो शायद। अरे तो वो फोन करके बता सकती थी ना हमें, हम लोग मना करने वाले थे उससे, तो भरोसा तोड़ दिया उसने हमारा। माधवी, भरोसा तोड़ दिया सोनू ने। चलो कहाँ? आहो, आहो भाई, आहो बताओ तो सही हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सोनू के कॉलेज जा रहे हैं। कहाँ? ये पता कर रहे हैं कॉलेज में छुट्टी है कि नहीं, पता चल जाएगा। और हाँ, तुम जरा हंसो। हाँ मतलब अगर वो कहीं से भी छुप के हमें देख रहे हो तो उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि हमें पता चल चुका है कि वो यहाँ पे है ना, इसलिए जरा हंसो। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, कम कम कम, गए हो, गए हो, जल्दी आओ, गए गए गए। बच गए फ्रेंड्स, बच गए। टप्पू, बाबा ने हमें देख तो नहीं लिया होगा ना? नहीं सोनू, इम्पॉसिबल। उन्होंने हमें देखा होता तो यहाँ से जाते ही नहीं। हाँ, और अगर भिड़े अंकल ने हमें देखा होता कि हम लोग कॉलेज बंक करके मॉल में घूम रहे तो पहले तो वो ज्वालामुखी जैसे फटते और हम लोग सबकी बैंड बजाते। एग्जैक्टली। अरे सोनू, मैंने उन्हें जाते हुए देखा है, वो हंस के जा रहे थे। जस्ट इमेजिन, अगर उन्होंने हम सबको मॉल में घूमते हुए देखा होता तो लोग हंस के थोड़ी जाते। हाँ सोनू, अगर भिड़े अंकल हमें देख लेते तो इतना गुस्सा होते कि एक हफ्ते तक हंसते ही नहीं। एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स, 100 बात की एक बात, भिड़े अंकल और माधवी आंटी को हम लोग यहाँ पर है ऐसा बिल्कुल भी शक नहीं है। हाँ, पर तो फिर वो हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे थे? अरे सोनू, वो लोग भी मॉल में घूमने आए थे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जहाँ जा रहे थे वो लोग भी वहीं आ रहे थे। हाँ बिल्कुल, और ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। एग्जैक्टली। फ्रेंड्स, भिड़े अंकल माधवी आंटी चले गए, अब क्या करना है? आई थिंक हमें वापस कॉलेज चले जाना चाहिए। अरे एक बार बंक मार लिया तो मार लिया, अब वापस कॉलेज जाने का क्या मतलब? सोनू, तेरे आए बाबा गए, अब क्या टेंशन है? हम जम के मस्ती करते हैं। चल चल समझ, चल। टप्पू टप्पू टप्पू, पक्का बाबा को कुछ पता नहीं चला होगा ना अगर घर जाकर कुछ हंगामा हुआ तो? सोनू, आई एम डैम श्योर भीड़े अंकल को कुछ पता नहीं चला है। चल अभी एंजॉय करते हैं। अरे चल चल। कहते हैं कि जो ज्यादा प्यार करता है वही ज्यादा गुस्सा भी करता है, और माँ बाप से ज्यादा बच्चों से कौन प्यार करता है, इसलिए अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो उनको गुस्सा भी ज्यादा होता है।
इसलिए इस वक्त भिड़े का गुस्सा सातवें नहीं 14वें आसमान पे है, क्योंकि उन्होंने मॉल में टप्पू, गोली और खासकर सोनू को देख लिया। स्वाभाविक है भिड़े का गुस्सा होना, बच्चों से हम ऐसी गलतियों की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन इस वक्त तो भिड़े को पता चला है। और ऐसा ही गुस्सा जेठालाल और हाथी भाई भी करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि टप्पू और गोली भी मॉल में थे। अब ये पेरेंट्स गुस्से में क्या करेंगे, कितनी कड़ी सजा देंगे इन बच्चों को, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ होगी सजा, लेकिन आपके घरों में होगा मजा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ने के बजाय कॉलेज बंक करके हमसे झूठ बोलकर मॉल में घूम रहे, मस्ती कर रहे। अब तुझे कुछ नहीं कहना दया? सॉरी, मुझे टप्पू दिक्कत से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। I'm very disappointed. मुझे बच्चों से ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो सुनू को ऐसी सख्त सजा दूंगा माधवी, ऐसी सख्त सजा दूंगा कि वो तो क्या गोकुलम का कोई भी बच्चा ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। आने दो उसको। बराबर है, आने दो टप्पू को, आज उसकी खैर नहीं है। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।